गाइस वेलकम बैक, क्या हाल-चाल, आई होप अच्छे होंगे। तो भाई जल्दी से अगर वीडियो को लाइक कर लो, वीडियो के लाइक्स के 20,000 जल्दी से अगर इसको पूरा करा लो। तो भाई लास्ट एपिसोड में हमने शुरू कर दी है वो केजीएफ को एंड करने की शुरुआत मैंने करी, बट मैंने प्लानिंग से ऐसे दिखाया कि उनकी तरफ से शुरुआत हुई है। तो फिलहाल बंदर ने यही बोला कि ट्रेवर चलो कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, सॉरी बोल लो और सारा काम खत्म हो जाएगा। बट मैंने भाई मुकेम्बो को भी किडनैप कर लिया, क्योंकि अब की बार माफी नहीं होने वाली, अब की बार तो पूरा एंड करेंगे बंदों का, तब जाके मजा आने वाला है। अब की बार केजीएफ को नहीं छोड़ा जाएगा, बहुत परेशान कर लिया केजीएफ ने। केजीएफ सुन सुन के मैं बड़ा परेशान हो गया। अब हाई टेबल ही लॉस सैंटोस से फेमस होने वाली है, और फिलहाल भाई ये अभी भी सो रहा है, तो चलो इसको छोड़ो, इसको सोने दो। नहीं तो मैं सोच रहा था कि चलो इसको थोड़ा सा वॉक देता हूँ, बट मेरा प्यारा डॉगी भाई आजकल ज्यादा सोने लग गया है। चलो कोई बात नहीं, तो ठीक है मेरे प्यारे पीटी, मैं जरा निकलता हूँ, तू आराम से यहाँ पे नींद ले ले। तो फिलहाल आज घर पर कोई भी नहीं, ना ही सीजे है, ना ही बिग स्मोक है, और ना ही नीको है। आज वो तीनों भाई बाहर गए हुए हैं, तो इसलिए बाहर सेटअप उन्होंने नहीं लगाया। आपको पता ही है वो तभी लगाते हैं सारा सेटअप वगैरह जब यहाँ पे उनको बैठना होता है, नहीं तो बिल्कुल खाली पड़ा रहता है मैदान, वो फिर साफ सफाई करवा देते हैं घर के बंदों से। और फिलहाल भाई ये चीज देख लीजिए कैसी लगी है, ना एक नंबर की चीज। तो फिलहाल आप ये मत सोच रहा कि असली जिम सूट वाली कार वापस आ गई है, असली नहीं है भाई, उसी के जैसी फेक कॉपी मैंने बनवा करके रखी हुई है। क्योंकि भाई आपको पता है ये गाड़ी मेरे को काफी याद आती है, इसका ना देखो यार अलग ही लेवल है, इसकी जो लुकिंग है ना वो अलग ही है। तो फिलहाल सोचा चलो क्यों नहीं भाई ऐसी सेम एक गाड़ी और ले ली जाए, मेरे पे ऐसी गाड़ी आपको पता है और भी है। फिलहाल एक चोर ने मेरे को दे करके रखी है और एक अभी मेरे पास आई है, तो मैंने सोचा, बहनी ने बोला था सुबह सुबह कि भाई एक जेम्स वाली कार आई है दिखने जैसी, क्या आपको चाहिए कि, तो मैंने बोला यार पहुंचा दे कोई टेंशन नहीं है। तो फिलहाल भाई ये गाड़ी अभी बहनी ने सुबह सुबह ही पहुंचाई है, तो आज हम इसको ही चलाने वाले। फिलहाल इसमें ऐसी कोई पावर नहीं है टक्कर मारे किसी को खत्म कर देना, वेपन सिस्टम ये सब कुछ नकली है, मतलब कि नॉर्मल कार है बस उसके जैसे दिखने में है। कोई बात नहीं यार, हमें दिख रही है, हम उससे ही काम चला लेंगे। फिलहाल अभी मैं जल्दी से निकलता हूँ अपने हाई टेबल वाले बेस पर, वहां पे जाकर के भाई मैं आपको दिखाना चाहता हूँ काफी चीजें। वो बेस स्टार्ट हो चुका है, वहां पे जनता के लिए फैसिलिटी सब कुछ कर दी है, मैंने उसको अनाउंस कर दिया कि भाई किसी को भी अगर हाई टेबल के सेफ हाउस में आना है आ सकता है, वहां पे कोई भी पंगा नहीं होगा। देखो भाई गैंग वालों को तो यही पता है कि ड्राइवर के वहां पे कुछ नहीं होने वाला। कुछ कुछ मेन बंदे हैं जैसे केजीएफ हो गई, बड़ी बड़ी गैंग्स हो गई, ये हाई टेबल को नहीं मानती, बट जो बाकी छोटी छोटी गैंग्स है जैसे कि उन बाला वाले हो गए, बाकी और बंदे हो गए, वो जरूर मानते हैं हाई टेबल को, क्योंकि भाई उन्होंने मुझसे फेवर भी लेके रखा है, आप इस बात को मत भूलिएगा। तो फिलहाल उन बंदों ने अगर कुछ भी कभी परेशानी करने की कोशिश करी तो मैं उनको फिर बहुत बुरा पीटने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी जल्दी से हाई टेबल की तरफ निकलता हूँ और देखते हैं आखिर वहाँ पे सारी सिस्टम कैसे लगने में लग रही है, क्योंकि भाई सुबह सुबह मेरे पास फोन आ गया था हमारी डिलीवरी आने ही वाली है रोबोट्स की। आपको याद है वही रोबोट्स मैंने जो दिखाए थे भाई, वो बड़े खतरनाक रोबोट्स है। फिलहाल आज उनकी डिलीवरी आएगी और फिर आएगा शहर में मजा, केजीएफ को फिर आराम से तसल्ली से पीटने वाले मेरे सारे सारे रोबोट्स तक पहुंचता हूँ। तो भाई वीडियो की लाइक नहीं करा तो कर लीजिए, मैंने आपको बता दिया। अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके उसको सेट कर दो। अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को चेकआउट नहीं किया, बाद में जाकर चेकआउट कर लेना, मैं उस पर छिटी वीडियो डालता हूं जिसका एक्सपर्ट शाम को 5 बजे उसी पर आने वाला है। गाड़ी ये भी इतनी अच्छी नहीं है भाई, काफी फिसल रही है, इसमें भी इतना दम नहीं है जैसे लास्ट वाली अपनी जेब छोड़ वाली कार थी ना, ये भी भाई ऐसी भाग तो काफी तेज रही है बट बेकार है यार, इसे कंट्रोल अच्छे नहीं है, बहुत ज्यादा फिसल रही है। जैसे मैं रेस देता हूँ ना बहुत ही ज्यादा पीछे से फिसलना शुरू कर देती है, बैलेंस नहीं बन रहा गाड़ी का बिल्कुल भी। बैनी बिना ये फर्जी गाड़ी देता रहता है मेरे को, मतलब सस्ती गाड़ी कहीं से लेकर के आ जाता है। भाई मैं अपने हाई टेबल के सेफ हाउस पर पहुंच चुका हूँ, और एक बात आप लोग भाई अभी नोट करके रखना, क्योंकि अटैक कभी भी कहीं पर भी हो सकता है। मुकेम्बो किडनैप है, केजीएफ का करंट का बॉस मैंने किडनैप करके रखा हुआ है, और सभी को पता है, ऐसे नहीं मैंने चोरी छुपे उसको किडनैप किया है, मैंने हाईवे से जाकर उसको किडनैप किया, कैमराज में आ गया होगा साफ साफ, तो इसलिए भाई कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए मेरे को अलर्ट रहना पड़ेगा। वैसे मैंने बोल के रखा है लेस्टर को, लेस्टर फीट ही अलर्ट है, कभी भी अगर कुछ भी हो तो हम सब कुछ संभाल लेंगे। तो फिलहाल चलिए भाई, ओके यार पार्किंग में काफी गाड़ी है, तो आपने देखा पार्किंग में यहाँ पे मेरा प्यारा गार्ड खड़ा हुआ है। भाई कुछ बंदे आ चुके हैं, कुछ कुछ अभी बहुत बड़ी डिलीवरी है वो आने वाली है, बट कुछ कुछ आ चुके हैं, और जितने भी आए हैं ना सारे सारे वो मैंने लगवा दिए हाई टेबल में, क्योंकि भाई यहाँ पे गार्ड्स बहुत जरूरी है, अगर यहाँ पे किसी ने रूल तोड़े या पंगा किया तो उसको सीधा करने के लिए ये काम आने वाला है। हेलो बेटे रोबोट कैसा है तू, फिलहाल दिखने में बंदा लग रहा है बट भाई पूरा का पूरा रोबोट है। तो यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी है, तो ऊपर चलते हैं, अभी पता चल जाएगा आखिर कौन कौन से बंदे हमारे हाई टेबल में आकर के रखे हुए हैं, क्योंकि भाई ओपन होने की देर थी, इसको स्टार्ट करने की देर थी, बंदे तो बड़े परेशान थे। आपको पता है मैंने पहले बोल के रखा, अगर यहाँ पे कोई अपनी जान बचाने के लिए आना चाहता है पैसे हम उससे लेंगे रहने के लिए, बट यहाँ पर वो सेफ रहेगा, जब तक यहाँ पे रहेगा कोई उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, चाहे कोई भी शहर का बंदा क्यों ना हो, कोई अटैक करेगा तो फिर हाई टेबल उसे कमर तोड़ देगी, आपको पता ही है सारी चीजें। तो फिलहाल भाई देख रहे हो ऊपर भी कितने सारे गार्ड्स मैंने खड़े कर दिए, चारों तरफ एंट्री पे ऊपर भी कुछ गार्ड्स खड़े हुए हैं, मैंने बोला था भाई ऊपर छत पे भी लगा दो, क्योंकि बंदे बहुत बेकार होते हैं, लॉस सैंटोस के बंदे हैं, इनका कुछ भी भरोसा नहीं किया जा सकता, तो इसलिए भाई ऊपर भी बंदे होंगे। ओके भाई देखो मेरे को ऊपर दिखाई दे, शायद से आपको दिखाई दे रहे होंगे, नहीं दिखाई दे रहे तो अभी दिखाई दे जाएंगे, ये मेरा प्यारा भाई कैसे खड़ा हुआ है ऊपर की तरफ। तो फिलहाल भाई जैसे कि आप देख रहे हो बंदे काफी है, चलिए अंदर की तरफ निकलते हैं अभी आपको अंदर से। वैसे हाई टेबल का मैंने आपको बेस दिखा के रखा है, मैं आपको बेस नहीं दिखा रहा, मैं आपको सारे के सारे अपने स्टाफ के बंदे दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे भाई वो बंदे हैं, आप इनको वेटर बोल सकते हो,
यहाँ पे सारी चीजें कराते हैं। मान लो कोई गेस्ट यहाँ पर आया, उसका सामान रूम में पहुंचाना, उसके लिए सारा रूम दिखाना, हर एक चीज, मतलब कि भाई ये स्टाफ के बंदे हेल्प करने के लिए। वाओ भाई वाओ, यहाँ पे तो भाई गैंग की आंटियां भी आई है और देख रहे हो लगेज साथ में लेकर के आई है, इसका मतलब ये शायद से यहाँ पर रहने के लिए आई है। आंटी जी किसका मर्डर कर दिया जो हाई टेबल में आपको आने की जरूरत पड़ गई? ओके, कुछ ग्रीन गैंग वाले बंदे यहाँ पर है, ये भी आ रहे हैं भाई रहने के लिए, बहुत बढ़िया। ओके तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पे कुछ बाला वाले बंदे, और ये देखो मेरी स्टाफ की कुछ लड़कियां मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ये यहाँ पर सारी चीजों का हिसाब रखेगी, ये यहीं पे बंदों को कमरा देगी, इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो फिलहाल बंदे यहाँ पे रूम लेने में लगे और तीनों बैग लेकर के आ गए। अबे भाई किसको मार दे तुम लोगों ने, शर्म नहीं आ रही? तो भाई देखा जाए तो अभी हाई टेबल का पूरा ये बेस स्टार्ट हो चुका है। कोई भी आओ, किसी को कोई मना नहीं है, चाहे वो मेरा ही दुश्मन क्यों ना हो, अगर वो भी यहाँ पे आकर रहेगा तो मैं उसको मार नहीं सकता। तो फिलहाल भाई ऐसे ही रूल है देखो हाई टेबल के, तो इसलिए बड़ी खतरनाक जगह है। और यहाँ पे बार है, यहाँ पर भी मैंने कुछ लड़कियों को लगा दिया, अगर किसी को भाई आराम से ड्रिंक करनी है तो ये आपको सर्व करेगी, पर आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि भाई ये कोई फ्री चीज नहीं है, अगर आप पियोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। देखो होटल का अलग किराया है और यहाँ का अलग पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि भाई बहुत से बंदे अगर मैंने उनको बोल देना ड्रिंक फ्री है तो सुबह शाम बाला वाले यहीं पे बैठ रहेंगे और 10-10 किलो पी जाएंगे बैठ के, और बस मेरा तो नुकसान कर देंगे बहुत ही ज्यादा। तो फिलहाल चलिए भाई मेन पॉइंट पर आते हैं, मैंने आपको सारे स्टाफ दिखा दिया। अभी यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ, यहाँ पर मैं मेन पॉइंट इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को एक बंदा अपने साथ में लेकर के चलना है, एक बंदे को अपने साथ में लेकर के जाऊंगा अपने इनमें से रोबोट्स में से, क्योंकि मेरे को चेक करना है भाई इन रोबोट में कितना दम है, ये केजीएफ को मारने लायक है ये नहीं है, कभी भाई ये कुछ भी ना हो, ये सुतली बॉम्ब निकल जाए और ये फटे ही ना जा करके, इसलिए इनमें से एक बंदे को अपने साथ में ले लेता हूँ। अच्छा अच्छा जी चलो मेरे साथ चलो फटाफट से, तुम्हें मेरे साथ चलना है, मैं देखना चाहता हूँ अगर तेरे में कितनी शक्ति है, आज तो पूरा दिन मेरे साथ में रहेगा। तो फिलहाल भाई बंदा मेरे साथ चल पड़ा है, बोल रहा है ट्रेवर सर जैसा आप बोलोगे ऐसा ही करूंगा, कमर तोड़ दूंगा बंदों की, मतलब बहुत ही बुरा मारने वाला हूँ, आपके ऑर्डर्स में सारे सारे फॉलो करूंगा। और ये अपने दिमाग से भी काम करेगा, ऐसा ही नहीं कि भाई जब मैं बोलूंगा जब भी सारे काम करेगा, नहीं, अगर इसको दिखा मेरे ऊपर खतरा है तो ये बंदों को बहुत बुरा पीटने वाला है, मतलब ये अपनी अकल को भी यूज करेगा, ऐसा ही नहीं भाई बस इसके अंदर जो ऑर्डर मैंने डाल दिया वही काम करेगा, नहीं, अपनी अकल भी यूज करेगा। तो चलो सबसे पहले ना इसके निशाने ट्राई करते हैं, मतलब कि आखिर कितने अच्छे से एम लगा सकता है वो ट्राई करते हैं। तो मैं लेस्टर को बोलता हूँ, लेस्टर जरा मेरे प्यारे से भाई तू एक काम कर, जरा पहुंच जा डेजर्ट में मेरे एयरपोर्ट पे, वहां पे जाकर के यार कुछ इंतजाम कर, मैं अपने रोबोट के निशाने चेक करना चाहता हूँ। भाई लेस्टर को मैंने सारी सारी बातें फोन करके बोल दिया, लेस्टर बोल रहा है ठीक है ट्रेवर मैं पहुंच रहा हूँ तुम्हारे एयरपोर्ट पे, तुम फटाफट से जल्दी से आ जाओ रोबोट को लेकर के, मैं इंतजाम करता हूँ, चेक करते हैं उसमें कितना दम है और उसके निशानों में कितना दम है। ठीक है भाई हो जाए, तो मेरे रोबोट तैयार है बेटे एग्जाम देने के लिए, अभी तेरे एग्जाम में लूंगा और देखते तू सब पास होगा नहीं होगा, अभी पता चल जाएगा भाई इसमें कितना दम है, इसको अपने साथ में रखने का फायदा है नहीं है। भाई हम लोग एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, मेरा रोबोट, मैंने उसको सारी बातें समझा दी है, लेस्टर नमूना यहाँ पे भाई वीड मारने में लग रहा है, ये देख रहे हो नीली आंखों की दुकान, ओ मेरे भाई सस्ते नशे, मतलब है क्या ये मतलब तू उल्टे काम क्यों कर रहा है भाई, ये नहीं सुधरता, मतलब भाई ये उल्टे सीधे काम कभी भी करवा लो, अगर मैंने तेरे पापा को बता दिया पता नहीं तेरे को कितना बुरा पीटने वाले। ड्राइवर देख ऐसा तू नहीं करेगा, तू मेरा भाई है इसलिए तू मेरे पापा को नहीं बताएगा, और तूने अगर बताया तो मैं तेरी चट्टी में बम लगा दूंगा। क्या हो रहा है इसको आजकल भाई, ये पागल हो रहा है क्या, बोल रहा है अगर तेरे मेरे पापा को बताया तो चट्टी में बम लगा देगा, तेरे को मैं बाद में देखूंगा। चलो फिलहाल भाई मैं आपको अरेंजमेंट दिखा देता हूँ, ये लेस्टर नमूने से बहस करने का कोई भी फायदा नहीं है, ये बहुत ही अलग लेवल का नमूना है। तो फिलहाल देखो काफी हाइट, मतलब काफी दूर हमने ये चीजें रखी हुई है, अगर इतने दूर तक भी इसका निशाना अच्छे से बोतल पे लगेगा तो मतलब समझ जाएंगे बंदे को आराम से एम कर सकता है। भाई जब इतनी छोटी बोतल पे ये एमिंग कर लेगा इतने दूर से, तो फिर भाई सीधी सी बात है ये बंदे को तो आराम से मार ही सकता है। तो फिलहाल मेरे रोबोट अभी जल्दी से इन चारों बोतल को निशाना लगा और देखना चाहता हूँ तेरे निशाने में कितना दम है। तो देखते हैं भाई चलिए ये कैसे निशाने लगाएगा, मैं इस तरफ खड़ा हो जाता हूँ और अभी पता चल जाएगा इसमें दम है या नहीं है। वैसे भाई दम तो होगा यार, रोबोट एडवांस है, उन बंदों ने बहुत एडवांस रोबोट बनाया हमारे कहने पर, मुझे लगता है बंदों में दम है। तो भाई हमारे प्यारे रोबोट ने शुरू कर दिया है एम लगा के रखा हुआ है बंदे ने, तो देखते हैं अभी मारेगा इन्हें मारेगा। ओके भाई एक खत्म, दूसरी भी खत्म, तीसरी भी खत्म और भाई लास्ट वाली भी खत्म, परफेक्ट है यार इसका निशाना, एक नंबर है। आप लोगों ने देखा एक भी गोली मिस नहीं करी, फटाफट से खत्म कर दिया। अबे यार वैसे एमिंग सिस्टम तेरी बहुत अच्छी है, चल अभी दूसरा टेस्ट के लिए तैयार हो जा, पहले टेस्ट में तूने पूरे नंबर ले लिए, अभी जल्दी सामने की तरफ जा। भाई अपना प्यारा रोबोट सामने की तरफ जा चुका है, अभी मैं चेक करता हूँ ये कितना डैमेज ले सकता है। भाई देखो डैमेज की भी तो मेन चीज होती है ना, मान लो चलो ये तो बंदे को मार देगा बट अगर इसको गोली लगी तो ये भी तो मर सकता है ना। तो मेरे प्यारे भाई आरपीजी खाने के लिए तैयार, ये ले पकड़ आरपीजी। ओहो तो भाई बंदे को थोड़ा फर्क पड़ा, मतलब कि ये हिला बट वैसे ये नहीं चला। ओके भाई कुछ हुआ क्या भाई तुझे? ओके वैसे यार रोबोट काफी अच्छा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे रोबोट में दम है। भाई एक आरपीजी तो इसने आराम से बर्दाश्त कर ली, दूसरी आरपीजी भी इसने बर्दाश्त कर ली है, बहुत ही बढ़िया।
सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आती है मेन चीज, एलियन गन। वैसे तो एलियन गन देखो बहुत कम बंदों के पास होती है, वैसे तो होती नहीं है, बहुत ही कम होती है, रेयर होती है बहुत, बट फिर भी भाई अगर किसी के पास हुई 1% तो ये भी ट्राई कर लेनी चाहिए। अपनी पूरी शक्ति लगा कर खड़ा हो जाए भाई, कुछ भी तेरे को हो सकता है, इसलिए सावधान रहना क्योंकि अभी खतरनाक चीज आने वाली है। तो ये ले बेटे एलियन गन। ओ भाई बंदे में दम है, सारे के सारे बॉक्सेस उड़ गए, बट भाई इसमें दम है, हमारा रोबोट कामयाब हो गया, मतलब कि मजा आ गया भाई, बंदे में दम है। आजा भाई आजा, तूने तो सच्ची में मजा उठा दिया, परफेक्ट है परफेक्ट। लेस्टर भाई सच्ची में बहुत ही बढ़िया, आसपास की चीजें भी उड़ गई। लेस्टर यार रोबोट में सच्ची में दम है, कहां से बनवा दिया तूने इसको, सच्ची में मजा सा आ गया, परफेक्ट लगा भाई मुझे तो। बाकी आप लोग बताना, वैसे इंप्रूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें, बंदा का एम सही कर लेता है, बंदे को पीट भी सही सकता है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ये डैमेज भी काफी झेल सकता है, तो अभी मुझे लगता है परफेक्ट है। अब आएगा, अब आओ केजीए फॉलो, तुम 1000 बंदे लेकर आओगे, मैं तो 2 रोबोट छोड़ दूंगा तुम्हारे ऊपर, ये 2 ही बंदों को उड़ उड़ के मारेंगे, बहुत बुरा मारेंगे, मैंने देख लिया भाई। अभी मेरे पास सीजे का फोन आया, सीजे मेरे को बोल रहा है ट्रेवर भाई ऊपर आ जाइए भाई ऊपर, आपको बताया हमारे आसमान में यहाँ पे एक जेल है जो कि अलग बंदों के लिए बना के रखी हुई है, मतलब उसमें अलग टाइप के बंदे रहते हैं, तो उस जेल में मेरे को बुलाया सीजे ने, बोल रहा है कि ट्रेवर जल्दी से आ जा, काफी जरूरी काम है, क्योंकि मेरे को पुलिस वाले ने यहाँ पर बुलाया है, तेरे को बहुत जरूरी बात बतानी है। तो फिलहाल चलिए भाई यहीं से निकल चलता हूँ, एक सेकंड। लेस्टर यार एक काम कर, एक हेलीकॉप्टर मांगो फटाफट से, और तुम दोनों यहीं पे रुको, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ ऊपर से, मेरे को जेल पर जाना है, मेरे को सीजे से मिलना है जाकर के, दोनों यहीं पर रहो भाई। मैं अपना हेलीकॉप्टर लेकर के जेल पर पहुंच चुका हूँ, लेस्टर नीचे ही मेरा वेट कर रहा है, जैसे आप देख ही रहोगे सामने ही मेरा वही वाला एयरपोर्ट है, तो बस मैं ऊपर ही आया हूँ, थोड़ा सा मेरे को हेलीकॉप्टर आते ही मैं ऊपर आ गया। फिलहाल मैं रोबोट को अपने साथ में लेकर के नहीं आया, क्या पता क्या बात हो सकती है भाई, तो इसलिए मैंने उसको लेस्टर के पास ही छोड़ दिया। देखो लेस्टर की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, उसको लेस्टर के पास मैं इसलिए छोड़ कर गया क्योंकि बॉस मुख्य भाई केजीएफ को मत इग्नोर करो बिल्कुल भी, वो कभी भी आकर के हमला करेंगे, बहुत ज्यादा बेकार कहेंगे, वो बिल्कुल रहम नहीं करती, बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, मेरे को उनके बारे में सारी चीजें बताया। तो फिलहाल चलिए हम लोग लैंड कर चुके हैं, यही है वो प्राइवेट जेल, आपको याद ही होगी, बहुत टाइम काफी टाइम पहले वैसे मैं यहाँ पर आया था, बट मैंने आपको दिखा के रखी हुई वाली जेल, मेरे को पूरा याद है। तो फिलहाल यहीं पर मेरे को मिलना है सीजे से। ओके भाई, मेरे को सीजे दिखाई भी दे गया। हेलो सीजे ब्रो, क्या हाल चाल है भाई, आप देख रहे हो काफी खतरनाक बंदे यहाँ पे लगे रहते हैं, ये वो एडवांस लेवल के क्रिमिनल्स हैं जिनको जमीन पे रहने का हक नहीं है, मतलब ये जमीन पे इन्होंने बहुत बार जेल तोड़ने की कोशिश करी है और सक्सेसफुल भी हुए हैं, तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना इनका इलाज करके इनको आसमान में रखा जाए, यहाँ पे अगर जेल तोड़ेंगे भी तो कहाँ जाएंगे, इतने ऊपर से कूदेंगे बिना पैराशूट के तो मरेंगे ही मरेंगे, इसलिए भाई यहाँ से कोई फायदा नहीं है भागने का, इसी वजह से इस जेल को बनाया गया है। हेलो सीजे ब्रो, यहाँ पर क्या, आपने मेरे को सिगरेट देखने के लिए बुलाया है, बोलिए क्या काम है। ड्राइवर मेरी बात ध्यान से सुन, मेरे को यहाँ के ऑफिसर्स ने बुलाया, यहाँ पे कल एक कैदी था जिसका नाम है एडम्स, वो एडम नाम का बंदा यहाँ पे था कल रात तक, और फिर सुबह देखा था वो यहाँ से गायब हो गया, फिर उसके रूम को चेक किया गया, तो ट्रेवर उसके रूम में तुम्हारी सारी डिटेल्स है, तुम्हारे घर का ब्लूप्रिंट है, तुम्हारे डॉगी की फोटो, तुम्हारी वाइफ की फोटो, तुम्हारी फोटो, तुम्हारे हर एक टीम के बंदे की फोटो, सभी की इंफॉर्मेशन उस बंदे के पास है, पता नहीं वो क्या प्लानिंग कर रहा था, इसलिए ऑफिसर्स को डर हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने तुम्हें बुलाया, तुम्हें उसको जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा ट्रेवर, ये एडम नाम का बंदा कुछ ना कुछ तो खतरनाक हो सकता है, इसलिए मेरे को अजीब सा लग रहा है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन एक क्रिमिनल के पास, तुम्हारी इंफॉर्मेशन क्या कर रही है, वो भी जेल में, कैसे उसने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी, कुछ तो गड़बड़ है ट्रेवर। हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है, वो तो मुझे भी लगता है, और जैसे इसको देख रहे हो ना ये गर्दन घुमाया जा रहा है, अबे टूट के गिर जाएगी भाई, जुड़वानी पड़ेगी फेविकोल से। तो मेरे प्यारे सीजे भाई ठीक है, तू भी ढूंढने की ट्राई कर, मैं भी जरा लेस्टर को बोल देता हूँ नीचे जाकर के, मैं भी ढूंढने की ट्राई करता हूँ। तो फिलहाल यार यहाँ पे कोई क्रिमिनल था एडम नाम का बंदा, एडम नाम आजकल आपको पता ही है काफी कॉमन हो रहा है, एडम नाम का बंदा मैंने अभी शायद से कुछ दिन पहले पीटा था, मेरे को याद नहीं है, बट हाँ उसका नाम एडम ही था, इतना मेरे को पक्का बताया। तो फिलहाल भाई ये भी कोई एडम नाम का ही बंदा है जो कि जेल में बंद था और आज सुबह भाग गया, मतलब कल रात भाग गया होगा, आज सुबह देखा तो जेल में नहीं था, और उसके पास सारा मेरा डेटा यार, डॉगी की फोटो, निकी की, मेरी मेरी टीम की, कुछ करने वाला तो नहीं ना कोई बंदा कभी, ये भाई केजीएफ का प्लान तो नहीं ना इसमें कुछ, देखो हो कुछ भी सकता है, कभी केजीएफ कोई नई चीज चल रही हो, और मतलब कोई नई चाल चल रही हो कि ट्रेवर को नए तरीके से मारा जाए। फिलहाल मेरा एयरपोर्ट भाई इस तरफ है, तो यहाँ से ट्रेवर जंप मार ब्रो, बहुत ही बढ़िया, हेलीकॉप्टर गया तेल लेने, पड़ा रहने दो ऊपर, एक घंटे तक उसको लैंड करा दे रहो, उससे कोई फायदा नहीं है, हम तो सीधा जाने वाले लेस्टर भैया जी के पास में, ये शॉर्टकट होता है भाई देखो नीचे जाने का, मेरे को ये ज्यादा परफेक्ट लगता है, अभी आराम से हम पहुंच गए, नहीं तो हेलीकॉप्टर इतने देर में हमें नीचे लेकर के आता, बहुत टाइम लग जाता, और इतना टाइम है ही नहीं ट्रेवर पे, कहाँ इतना टाइम है यार, ट्रेवर काफी बिजी बंदा है आपको पता ही। तो फिलहाल मेरे को यहाँ पे पैराशूट खोलनी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं वहां तक जा नहीं पाऊंगा। ट्रेवर बेटे आराम से पहुंचते, ठीक है भाई अभी बस मेरे को यही पता लगवाना है कि आखिर कौन है एडम नाम का बंदा, इसके पास मेरे सारी इन्फॉर्मेशन कैसे आई, जेल में रहते इन्फॉर्मेशन आ गई भाई, जेल में से कैसे इकट्ठा कर ली, और यहाँ पे तो कोई बंदा इसके पास इन्फॉर्मेशन लेके आ भी नहीं सकता,
तो मुझे ऐसा लगता है केजीएफ ने सारा का सारा काम कराया, किसी के हाथ हो इसके पास इन्फॉर्मेशन पूछवाई, इसको जेल से भगवाया ताकि चुपचाप फिर कुछ कर सके। तो फिलहाल चलिए, वो तो मैं सब कुछ समझ गया, इसका नेता मैं अभी बना दूंगा। और लल्लेसर नमूना अभी यहाँ पर खड़ा है। मेरा रोबोट कहाँ पे चला गया, मेरे प्यारे रोबोट? बस भाई बस, क्या लैंडिंग हुई है भाई। हेलो भाई जी, लेस्टर देख यार मैं आ गया, मैंने बोला था ना मैं जल्दी आ जाऊंगा। देख तेरे को एक बंदे को ढूंढना पड़ेगा, मैं तेरे को सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फटाफट से पता लगा, लेट मत कर। भाई मैंने लेस्टर को सारी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, लेस्टर बोल रहा है ट्रेवर टेंशन मत ले, मैं सारा काम कर दूंगा। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं एडम की आखिर क्या इन्फॉर्मेशन निकलने वाली है। मेरा रोबोट भाई ज्यादा गर्म हो गया था धूप में खड़ा खड़ा, तो फिलहाल ये यहाँ पर आ गया, तो मेरे को लगता है ये सी कमी है, तो ज्यादा देर धूप में खड़े नहीं हो सकते। ओके मेरा रोबोट ऐसा है बेटे, चल कोई बात नहीं, हम तेरा भी सिस्टम करवाएंगे। तो फिलहाल ये कार में बैठा हुआ था, तो चलिए अभी जल्दी से निकलते हैं और जा करके देखेंगे कौन ये एटम बंदा है, थोड़ा मेरे को वेट करना पड़ेगा। तो भाई फिलहाल अभी लेस्टर अपने काम पर लग चुका है, थोड़ा टाइम तो हो चुका है बट अभी थोड़ा टाइम बाकी है। तो भाई मैं अपने रोबोट को लेकर के आ चुका हूँ, मेरे प्यार रोबोट भाई यहाँ पे आ जा, गाड़ी चलाने का मन कर रहा है, जल्दी से यहाँ पे आ जा। तो फिलहाल मैंने रोबोट को भाई एक चीज करने के लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ, इसको मैं देखता हूँ ट्रेन से टक्कर लगा के, टक्कर भी भाई बर्दाश्त कर सकता है नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक भाई देखो टाइम पास करना पड़ेगा जब तक मेरे को लेसर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, इसलिए इसकी थोड़ी सी टेस्टिंग और कर लेते हैं। भाई देखो टेस्ट करते रहना चाहिए, मैं इसको परफेक्ट बनाना चाहता हूँ, पूरा हाई टेबल मतलब कि यही हैंडल करेंगे मेरे सारे सारे रोबोट्स, मैं किसी इंसान को यार नहीं रखूंगा, और मैं भी नहीं चाहता यार बंदे मर जाए, क्योंकि वॉर में अगर रोबोट मर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल भाई बस मैं और हमारा रोबोट अभी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, जब ट्रेन आएगी तो देखते हैं आखिर कितना दम है मेरे इस प्यार रोबोट में। चल भाई ड्राइवर आराम से मज़े शो का मजा लेते हैं, यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। तो ट्रेन 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 जल्दी से आओ, ट्रेन क्या है लॉस सैंटोस की ट्रेन, जब बुलाते तब नहीं आती और जब नहीं जरूरत होती तो भाई हर दो मिनट में आती रहती है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं भाई, देखते हैं कि आखिर ट्रेन कितने टाइम बाद आने वाली है मेरे इस रोबोट की कमर तोड़ने के लिए। रोबोट बेटे तैयार हो जा, क्योंकि ये ट्रेन ना बहुत मशहूर है GT5 की, यही ट्रेन सबसे खतरनाक होती है, ये किसी के रोकने से नहीं रुकती और ये बड़ा खतरनाक डैमेज देती है, इसलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। भाई मुझे लगता है ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, आजा आजा आजा, अब आएगा असली मजा। ऐसे ही खड़े रहना, देख कुछ भी अगर प्रॉब्लम तेरे को लगे तो तू हट सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट अगर तू बर्दाश्त कर सकता है तो खड़ा रहे, मैं जरूर देखना चाहूंगा। तो फिलहाल भाई ये चीज मिस नहीं करनी चाहिए, आया मजा आया मजा। ओके बहुत ही बढ़िया, कुछ हुआ तुझे? कुछ हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ भाई, देखो टक्कर मारी है ट्रेन ने, तो थोड़ा हिलेगा तो है, ऐसे तो नहीं है वहीं पे खड़ा रहेगा और ट्रेन रुक जाएगी। भाई ये ट्रेन नहीं रुकती किसी से भी, बट यार ये बंदा सरवाइव कर गया, अपने रोबोट में काफी दम है, ट्रेन की टक्कर लगने से भी कुछ नहीं हो सकता, अमेजिंग है। चल भाई निकलते हैं, भाई लेस्टर का फोन आ गया, मैंने बोला था ना थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, टाइमिंग बहुत परफेक्ट है, मैं अभी यहाँ से निकलने वाला था अपने रोबोट के साथ में। फोन करके बोलता है उसने एडम को एक जगह पे देखा है, जल्दी पहुंच कुछ गैंग वाले बंदों के साथ में। तो चलिए भाई निकलते हैं, लेट नहीं करेंगे। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका, लेस्टर ने मुझे यही जगह बताई थी, तो फिलहाल चलिए मैं अकेले जाता हूँ। मेरे प्यार रोबोट तो एक काम कर भाई, तू गाड़ी में रह, मैं जरा अकेले जाता हूँ, ठीक है? फिलहाल भाई मैंने अपने रोबोट को समझा दिया है कि गाड़ी में बैठा रहेगा, बहुत ही समझदार। तो फिलहाल भाई ये मेरे को अभी फॉलो नहीं करने वाला जैसे कि आप देख रहे होंगे। चलिए ये काफी अच्छी चीज लगी, नहीं तो भाई हर बार क्या होता था टर्मिनेटर वगैरह जो भी कोई होते थे मुझे फॉलो ही करते रहते थे हर जगह, मैंने इसको चुपचाप समझाया और ये गाड़ी में बैठ गया, बहुत अच्छी चीज है। तो फिलहाल भाई तू गाड़ी में बैठ रहे ना, मैं जरा अभी आता हूँ बंदों से मिल करके। तो फिलहाल भाई यहाँ पे जो गैंग के बंदे होते हैं, जगह मैंने देख करके रखी हुई है, यहाँ पे जो गैंग के बंदे होते हैं ना ऊपर की तरफ रहते हैं। चलो ऊपर की तरफ निकलता हूँ और बातें कर लेता हूँ, क्या पता इनसे एडम मिलने के लिए आया हो। एडम है कौन ये बंदे, एक बार पता तो चल जाए। ऊपर से केजीएफ वाली अटैक नहीं कर रही, बड़ा अजीब से लग रहा है यार, मैंने मुकेम्बो को पकड़ के रखा है और केजीएफ अटैक नहीं कर रही, क्या प्लानिंग कर रही है इसका मतलब, कुछ अलग चीज सोच रही है भाई वो, कुछ तो सोच रही है गैंग। भाई मैं ऊपर की तरफ आ चुका हूँ, यहाँ पे ऊपर एक चाचा खड़ा हुआ, यही इनका बॉस है। हेलो मेरे प्यारे भाई, जरा आप मेरी बात सुनोगे? इधर देख लो जल्दी से, नहीं तो पता है ना मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें रोबोट से बिटवाऊंगा। मैंने बंदे से सारी बातें कर ली है भाई, इनके पास कुछ नहीं है, मतलब कि इनके पास एडम नहीं आया, बट ये बंदा ये हर एक जगह पे नजर रखता है, जैसे आप देख रहे थे अभी भी देख रहा था बंदों को। तो फिलहाल ऐसे ही भाई ये नजर रख रहा था, तो इसने देखा एडम को सामने की तरफ। भाई एडम का फोटो हमारे पास आ चुका है, सीधी सी बात है भाई वो जेल में से भागा है, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड में से सारी फुटेज उसकी मिल चुकी है और फोटोज भी है पुलिस वालों के पास उसके। तो मेरे पास फोटो था, मैंने दिखाया, तो इसने बोला हाँ ट्रेवर भाई मैंने यही बंदा देखा लॉस्ट वालों के साथ में। भाई लॉस्ट वाले नमूनों के साथ में है बंदा, तो भाई ये माइकल ना मुझे लगता है मरवा के रहेगा, क्योंकि माइकल के लिए काम करते हैं आजकल लॉस्ट वाले बंदे, आपको पता है लॉस्ट वाले बंदे हो गए, टेरी हो गया, तो ये लॉस्ट वाले बंदों के साथ में एडम मिलेगा, कोई खेल तो नहीं खेल रहा ना, कभी लॉस्ट वाले कोई प्लानिंग कर रहे हो मेरे को जान से मारने की। भाई अभी मैं जाऊंगा सीधा लॉस्ट वालों के बेस पर और वहीं पे जाकर के उनका नेता बनाऊंगा मैं। तो फिलहाल भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले बंदे परेशान है किसी को मारने में, मेरे रोबोट अभी टेस्ट करते हैं, देख मैं एक बंदे को मारूंगा और तू भी उसको मारना, ठीक है? मेरे को फॉलो करना जैसे मैं कर रहा हूँ, वैसे तो अपनी अकल को भी लगा सकता है, सामने पुलिस वाले किसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, चल दोनों खत्म करते हैं इनको, मार 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 फटाफट से मार। भाई मार रहा है क्या? भाई मार रहा है, भाई मार रहा है, देख रहे हो पुलिस वालों की हेल्प कर रहा है।
समझदारी की मिसाल है यार, इसमें तो खुद का दिमाग भी है, ये तो बहुत ही समझदार है। खत्म कर दिया भाई, खत्म कर दिया, सही है अभी भी देख रहा है कि ट्रेवर मरे हैं नहीं मरे। भाई अभी भी नहीं मरे, इसको पता चल गया। तो चल भाई चल, शिकार करवा के लेकर के आता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके अंदर जो सेंसर है ना भाई, वो एक नंबर है। आप देख रहे हो पुलिस वालों की हेल्प भी बहुत अच्छे से कर रहा है। मार दे मार दे मार दे रोबोट बेटे, मार मार मार, बहुत ही सही सही है भाई, सही है। मुझे तो बहुत पसंद आया, बहुत ही ज्यादा पसंद आया। मैं लॉस्ट वाले बंदों के पास पहुंच चुका हूँ। रोबोट बेटे तू गाड़ी में रह, तेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं तेरे को बुला लूंगा। तो फिलहाल ये गाड़ी में बैठा रहेगा भाई, इसको गाड़ी से ही देख लेंगे। हेलो भाइयों, अगर आप लोगों ने, सच्ची बता रहा हूँ, मैं झूठ बोलने की कोशिश करी ना तो मैं सच में बहुत बुरा मारने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को अभी पता चला है तुम लोगों के साथ में हमारा एक दुश्मन घूम रहा है। पता कर लेता हूँ, देखते बंदे क्या बोलने वाले। सामने चाचा खड़वाया आंटी के साथ में, इससे ही पता करता हूँ। चाचा मेरी जरा बात सुनना। ड्राइवर भाई आपको गलत फहमी हुई है, माइकल भाई के लिए हम जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, अभी हम उनके लिए काम करते हैं, और आपको धोखा देना मतलब ही नहीं। आपको गलत फहमी हुई है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, हम ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। हम बिना माइकल के कुछ भी नहीं करने वाले भाई। यार इसकी बात पे ना जाने क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा यार, मेरे को यकीन नहीं हो रहा इस बात पे यार। लॉस्ट वालों पे मेरे को कभी यकीन होता ही नहीं है, सीधी सी बात है, डॉगी वाली बात। आपको बता, डॉगी इनके ऊपर कभी यकीन नहीं करता, और मेरे को भी यकीन नहीं होता इनके ऊपर। ये बंदे सही नहीं है, ये फ्रॉड है। तो मैं भी सीधा माइकल के घर पे निकलूंगा और माइकल से बात करके आता हूँ कि यार माइकल, यार मुझे तेरी इस गैंग पे ना, जो तूने लॉस्ट गैंग अपने टीम में लिया, मेरे को इनके ऊपर शक हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये केजीएफ के साथ मिल गए हैं। एडम भी मुझे लगता है केजीएफ का बंदा है, और एडम ने इनको अपने साथ में करा, कोई अच्छा ऑफर दिया, और जिससे ना ये लॉस्ट वाले बंदे भी हमारे ऊपर अटैक करेंगे, मेरे को यही लग रहा है भाई। माइकल भैया जी के घर पर पहुंच चुका हूँ। हेलो भाई, हट जाओ जल्दी से यार, एक इतने सारे गार्ड्स इसने लगा दिए, और ये करने वाले कुछ नहीं है, मेरे को सब पता है, ये 2 मिनट में भाग जाएंगे यहाँ से पिट करके। हेलो भाई जी, माइकल भैया जी, वेर आर यू? ये लो, सुबह शाम फोन पे ही खड़ा रहता है। वैसे मैंने इसको बाहर बुलाया, नहीं तो घर के अंदर ही था। फिलहाल आपको पता है जैसे प्रेजेंट बना है, बहुत मजे से लाइफ को काट रहा है। जब मर्जी होती है प्रेजेंट ऑफिस चला जाता है, जब मर्जी होती है घर पे आ जाता है, ये मजे ले रहा है भाई। तो फ्री में मैंने फिलहाल माइकल को सारी बातें बोली। भाई ये माइकल ना सच्ची में पूरा अंधा विश्वास कर रहा है उन बंदों के ऊपर, और मेरे को 1% यकीन नहीं है उन बंदों के ऊपर। इसने मेरे को बोला ट्रेवर तू ज्यादा परेशान हो रहा है यार, तू हर चीज को लेकर ओवर रिएक्ट करता है। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो मेरे बहुत अच्छे वफादार बंदे हैं, तेरे को गलत फहमी और ये वगैरह वगैरह। अब मैं क्या इसको समझाऊं भाई, मेरे को खुद ही पता लगाना पड़ेगा। ये तो बोल रहा है कि लॉस्ट वाले ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो सच बोल रहे हैं, तेरे को गलत फहमी हुई है। इसने तो मना कर दिया मेरी बात पे यकीन करने से। चलिए भाई कुछ और तरीका ढूंढते हैं, पता तो मैं करके ही रहूंगा, ऐसे कैसे, मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला इस बंदे को। फिलहाल यहाँ से चलिए निकल सकते हैं मेरे प्यार रोबोट बेटे, बहुत बढ़िया काम कर रहा है तो वैसे अभी तक तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखते हैं भाई इसमें कुछ कमियां है नहीं है, वो तो बाद में पता चली जाएगी। भाई लेस्टर का मेरे पास फोन आया, एक छोटी सी खुशखबरी, मजा आ गया, हमारी डिलीवरी आ चुकी है। सारे के सारे इसके भाई जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, डेजर्ट वाले लेस्टर भी वहां पर पहुंचने वाला थोड़ी देर में। तो चलिए भाई जल्दी से हम भी निकलते हैं, अभी आ जाओ। केजीएफ वाले कुछ भी प्लानिंग कर रहे हो, चाहे लॉस्ट वालों को लेकर के आ रहे हो, किसी को भी लेकर के आ रहे हो, आ जाओ। मैं अभी देखूं कौन कितना पंगा मुझसे ले सकता है। भाई मैं एयरपोर्ट पर आ चुका हूँ, मेरे प्यारे रोबोट, देख तेरे भाई आए बहुत ही सारे। फिलहाल जरा तो यहीं पे वेट कर, मैं अभी आता हूँ इनको देख करके। हेलो लेस्टर, यार लेस्टर तो सुपर फास्ट हो रहा है, मतलब क्या भाई तू टेलीपोर्ट करता है क्या, 2 मिनट में पहुंच जाता है मुझसे ही पहले, कमाल है। अबे किसके लड़े बे, किसको पीट दिया लेस्टर तूने, ये क्या करके रखा हुआ है, तू जरा मेरे को बताएगा किसको पीटा तूने, बोलेगा मुझे नहीं बोलेगा। ट्रेवर नहीं, मैंने किसी को पीटा नहीं है, मैंने पान खा के थूक दिया, मजा आया मेरे को, मजेदार पान था, मीठा मीठा एकदम। ये इसको होते क्या जा रहा है भाई, अबे तो किसके साथ रहता है आजकल, तेरी संगति का मुझे लगता है बुरा फर्क पड़ रहा है। किसी को किसके साथ रहता है भाई, सही जगह बैठ, सही बंदों के बीच में बैठा कर, तू तो बहुत बुरा होते जा रहा है किसी के साथ रहने के। सच्ची बात है भाई, संगति का बुरा फर्क पड़ता है, मैंने देख लिया आज, ये किसी ऐसे बंदों के साथ बैठ रहा है जो बंदे वीड मारते हैं, जो भाई पान खा करके यहाँ पे उल्टा सीधा थूक देते हैं। सच्ची है भाई, सच्ची है, रोड खराब कर दिया, मैंने सोचा खून है, चलो उसको बाद में देख लेंगे। तो फिलहाल आप देख रहे हो भाई अपनी प्यारी प्यारी टीम पैदल, देखने तो काफी टाइम लग जाएगा। लेस्टर में जरा गाड़ी में घूम करके आ जाओ भाई, राउंड लेकर के, काफी बंदे हैं। तो इनकी डिलीवरी भाई ट्रक्स में आई है, बंदे फिलहाल ट्रक में लोड होकर गए हैं, हमारे रोबोट ये सारे सारे भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। अब आएगा असली मजा मेरे भाइयों, फटाफट से जाओ सारे के सारे और खत्म कर दो केजीएफ को ढूंढ करके। मैं तो सीधा लेस्टर को ही बोलता हूँ, लेस्टर यार एक काम कर, इन सभी को इंस्ट्रक्शन दे, पूरे शहर में फैल जाए और केजीएफ के बंदों को ढूंढ के निकाले, क्योंकि केजीएफ वाले बड़े शांत बैठे हुए हैं। ऐसा मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो शांत बैठ जाएंगे, पता नहीं क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे बंदे नहीं है वो शांत बैठ जाए, वो बड़े बेकार बंदे भाई, शांत बैठने का कोई मतलब नहीं है। लेस्टर इन सभी को इंस्ट्रक्शन दे कि ढूंढ ढूंढ के निकाले केजीएफ के बंदों को, वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं भाई, अब तक कुछ भी अटैक नहीं हुआ, मुकेम्बो हमारे पास में और वो इग्नोर कर रहे हैं यार, अजीब सी लग रही है बात। तो इसलिए तू इनको सभी को बोल दे, ठीक है मैं निकलता हूँ। ड्राइवर मैंने ऑलरेडी बोल दिया है मेरे भाई, बस तेरे लिए रुके हुए थे, अभी सारे सारे शहर में फैल जाएंगे, बाकी बंदे तो फैल भी गए हैं, एक जगह पे गए हैं बंदों को मारने के लिए,
तू जाके वहां पे देख ले और देख कैसा आप तेरे बंदे अच्छे से काम करते हैं। वहां पे केजीएफ के कुछ बंदे मिले हैं एक जगह पे, वो कुछ प्लानिंग कर रहे थे, उनको पीटने में लग रहे रोबोट्स, जाकर के देख। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है मैं भी जाता हूँ भाई इसकी बताई जगह पे, देखते रोबोट्स आखिर कैसे बंदों को पीटने में लगे हुए हैं। ये पावर्स भी तो दिख जाएगी ना मेरे को, मेरी रोबोट आ रही है मैं फिर ये परमानेंट कर दूंगा भाई हमेशा के लिए, फिर घर पे इनको लगाएंगे हर एक जगह पे, फिर मैं इनको यूज किया करूंगा। पहले इनकी टेस्टिंग हो जाएगी अच्छे से केजीएफ के एंड, अगर इन्होंने करवा दिया ना इन रोबोट्स ने मेरी हेल्प करवा के, तो मैं समझ जाऊंगा फिर भाई ये रोबोट्स इन फ्यूचर ही मेरे बहुत ज्यादा काम आएंगे। भाई हम लोग जगह पर पहुंच चुके हैं, मैं भी थोड़ा पास नहीं गया। रोबोट बेटे तेरे भाइयों ने हल्ला मचा करके रखा हुआ है यहाँ पे, देख रहा है तू सामने की तरफ? भाई देखो कैसे मेरे को घूर घूर के देख रहा है, वैसे ही बता रहा हूँ सामने देख, बहुत ज्यादा खतरनाक काम चल रहा है। तो फिलहाल भाई सामने केजीएफ के बंदे जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, और यहाँ पर हमारे कुछ रोबोट भाई हल्ला करने में लगे, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। तो फिलहाल भाई तू गाड़ी में रह, मैं जरा अभी चेक करके आता हूँ, तू आराम से यहीं पे रह, तू टेंशन मत ले, तू आराम से घूम, हम भाई देख लेते हैं बंदों को, और तेरे को मारने की जरूरत नहीं है। अमेजिंग है भाई अमेजिंग, इन्होंने तो मिनी गन लेकर के बंदों को नेता बनाना शुरू करके रखा हुआ है, और इनमें कुछ भी डिफेक्ट नहीं हो रहा, मतलब कि कुछ भी इनमें डैमेज नहीं हो रहा, तो मेरे को लगता है मेरे को इनको परमानेंट कर देना ही चाहिए। बहुत सही है यार, वो हसमुख चाचा की पावर्स काफी अच्छी है, आपको याद है हसमुख नाम का बंदा, न्यूटन नाम था, जिसने सारे सारे रोबोट बनवाए हैं हमारे लिए। तो फिलहाल बहुत अच्छे से काम हुआ है, देख रहे हो सारे सारे केजीएफ के बंदे कैसे यहाँ पे पूरी मौत मर के रखे हुए हैं, सभी को मार दिया गया, इनके ऊपर कोई ब्लास्ट का असर नहीं हो रहा, किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा। और सबसे अच्छी क्या बात है भाई, रूल्स को फॉलो करते हैं, जो इनको बोला जाता है वही करते हैं। आप अगर देखो मान लो भाई इसके भाई लड़ रहे हैं आपस में, बट मैंने अपने रोबोट को बोल के रखा है तू कुछ नहीं करना, तू गाड़ी में बैठे रहना, बस तेरा यही काम है, ये चुपचाप बैठा हुआ है भाई। नहीं तो अगर भाई ये मेरे इंस्ट्रक्शन मान के बैठा हुआ है, नहीं तो इसको मारना चाहिए था, हेल्प करनी चाहिए थी, बट ये ऐसा नहीं कर रहा, मेरे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है। सबसे अच्छी बात यही है भाई, ऑर्डर्स फॉलो करते हैं ना बंदे तो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर ये अपनी मर्जी से काम करता तो इन फ्यूचर ही धोखा दे सकता था, क्योंकि ये अपना खुद का दिमाग चलाता, बट अभी ये दिमाग नहीं चला रहा। मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। फिलहाल भाई मैं लेसर को सारी बातें बोलती है, तो लेसर बोल रहा ठीक है ट्रेवर मैं करता हूँ भाई, मैं पूरी मेहनत करता हूँ, बाकी और बंदों को बोलता हूँ ढूंढ के निकालते हैं, एडम को टेंशन मत ले। तो फिलहाल भाई देखा जाए तो अभी करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि केजीएफ ने अटैक नहीं करा तो वहाँ पे लड़ाई के लिए नहीं जा सकते, मेरे रोबोट सारे सारे काम पर लगे हुए हैं। तो देखा जाए तो अभी ट्रेवर के पास कुछ काम नहीं है करने के लिए, जब तक मेरे को कुछ और आगे की इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती। तो चल मेरे प्यारे रोबोट घर पर निकलते हैं, आराम से घर पर रेस्ट करेंगे, और थोड़ी देर में निकलेंगे जब भाई किसी बंदे का फोन आएगा, क्योंकि जब तक किसी का फोन नहीं आएगा जब तक कुछ भी काम नहीं ट्रेवर के पास करने के लिए। पहुंचते घर पर भाई, हम लोग घर पर पहुंच चुके हैं। मेरे प्यारे रोबोट देख ये है मेरा घर, ठीक है आगे से अगर तेरे को मेरी जरूरत पड़े तो मैं तेरे को यहाँ पर मिल जाऊंगा, अगर यहाँ पर नहीं मिला तो मेरे को फोन कर लेना। चल ठीक है अभी आ जा फटाफट से, अभी तू उतर सकता है गाड़ी से, अभी कोई दिक्कत नहीं है भाई। सही में बात मानता यार, परफेक्ट है परफेक्ट एकदम। तो फिलहाल चल मैं तेरे को दिखाता हूँ मेरा प्यारा सा डॉगी, जल्दी से आ जा, सबसे ज्यादा केयर मैं उसी करता हूँ पूरी दुनिया में, इसलिए उससे भी आकर के मिल ले, अगर उसको कुछ भी हो गया तो मैं बहुत बता रहा हूँ तेरे को बहुत पीटूंगा, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे तू अपनी जान दे देना बट उसको बचा लेना। चल जल्दी से आ जा, देख वो घर पर ही होगा और सो रहा होगा, जितना मेरे को पता है वो सुस्त मुर्गा आजकल सोता बहुत है भाई, तो वो सो ही रहा होगा अभी तक तो, देखते हैं। हेलो मेरे प्यारे प्यारे कहाँ पर बैठे डॉगी, ये लो भाई सच्ची में यार हद मचा के रखा है, सोता रहता है, ओ सोतू महाराज हद है। अबे इधर आ जा ड्राइवर आ गया, इधर आ देख जल्दी से, इधर देख इधर, हाँ देखो कैसे देख रहा है, नींद उतार रहा है भाई अभी भी, देखो अब देख रहे हो उसको खड़ा खड़ा नींद उतार रहा है वहाँ पे, ड्राइवर नींद आ रही है मेरे को बहुत ज्यादा, 2 मिनट रुक जाए मेरे भाई, सच्ची में भाई बहुत अजीब है ये। मेरे प्यारे रोबोट देख ये है मेरा असली प्यारा भाई, सच में समझ रहा है ना, ये है मेन ड्राइवर की लाइफ में, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, अगर इसको कुछ भी हो गया ना तो तेरे साथ काफी बुरा हो जाएगा, समझ रहा है ना? ओके बॉस, इसको कुछ नहीं होगा। बहुत बढ़िया रोबोट का बच्चा बोला, मैंने सोचा ये नहीं बोलेगा, ये तो बोलता भी है भाई, बहुत ही बढ़िया। तो फिलहाल डॉगी आज से तेरा नया गार्ड है, गार्ड ठीक है, ये तेरी हमेशा सिक्योरिटी करेगा, हर एक जगह पे तू जहाँ पे जाएगा वहीं पे तेरे साथ जाएगा। बोल कैसा लगा, खत्म कर देता है बंदे को, बड़ा खतरनाक है, बता जल्दी से अच्छा लगा या नहीं लगा? भाई बहुत बढ़िया लगा, गर्दन उधर करके रखी है और पैर मुझे दिखा रहा है, ये सही है भाई, तो इसका मतलब इसको काफी पसंद आया। तो ठीक है डॉगी बेटे तू अपने नए रोबोट के साथ में खेल, मैं जरा नहा धो के आता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, आराम से घर के अंदर निकलते हैं। और आपको बता डॉगी घर के अंदर नहीं आता, वो कम ही आता है, जब तक मैं उसको नहीं बुलाता वो नहीं आता, तो फिलहाल मैंने उसको बोला नहीं है, तो आराम से बाहर ही रहेगा। भाई रात के बजे हुए 1, तो फिलहाल देख लीजिए मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, मतलब कि मैं भाई आया था घर पे, आपको बताइए नहाया धोया फिर मैं घर पर ही रहेगा डॉगी के साथ खेला वगैरह। डॉगी अपने भाई रूम में मतलब कि अपने घर में सोया हुआ है, रोबोट के मैंने बोला तो यार यहीं पर रुक जा बाद में देखेंगे, तो फिलहाल रोबोट भाई मेन गेट पर ही खड़ा हुआ है, मतलब कि घर के बाहर ही खड़ा हुआ है सिक्योरिटी करने के लिए, डॉगी को देख रहा है और मुझे भी देख रहा है। तो फिलहाल पॉइंट पता है क्या है, मैं यहाँ पर आया था मतलब ट्रेवर यहाँ पर आया रात को पानी वगैरह पीने के लिए, तो यार कुछ ना कुछ अजीब लग रहा है मेरे को घर में। फिलहाल बंदे तो देखो नहीं है क्योंकि रात को स्टाफ सारे सारे बंदे सो जाते हैं, बट थोड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा लगा ट्रेवर को शायद से कोई ना कोई तो घर में है, क्योंकि इस टाइम यार घर पे आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और ऐसा लगा कोई बंदा चल रहा था अभी, तो
तो फिलहाल वो तो मैं अभी देख लूंगा कौन आके घर में घुसा है। और अजीब बात पता क्या लग रही है, पूरा दिन पास हो गया, रात हो गई और तब भी कहा यार अटैक नहीं हुआ केजीएफ का। ये केजीएफ इतनी शांत नहीं यार, बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। वो बहुत बड़ी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हो, वो बहुत बड़ी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे को सावधान रहना पड़ेगा भाई, इसका मतलब अटैक आज नहीं होगा, अटैक कल ही होगा और मेरे को उसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। मेरे प्यारे रोबोट, ठीक है भाई तू घर पर है? यार मेरे को ऐसा लगा कोई घर में घुसा रोबोट, तेरे को देखा किसी को आते जाते हुए? नहीं ट्रेवर, मैं यहीं पर हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा। फिलहाल भाई रोबोट कर रहा है मना, इसने किसी को नहीं देखा। मैं जरा चेक करता हूँ भाई, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा घर में कोई घुसा है, घर में काफी आवाज आई है, तो इसका मतलब कोई पीछे से घुसा है शायद से, इसको नहीं पता। अभी चेक कर लेता हूँ। वैसे डोगी भी सोया पड़ा हुआ है भाई, उसको भी भाई कुछ पता नहीं चला, वैसे उसको तो पता चलना चाहिए था। फिलहाल तो घर पूरा खाली पड़ा है यार, बिना गार्ड्स के बड़ा खाली खाली से लगता है, वैसे गार्ड्स होने चाहिए थे। भाई मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला भाई, ये भाई कुछ तो गड़बड़ है। देखो रोबोट को नहीं पता चला बेचारे को, क्योंकि कोई ना कोई बंदा तो घर में घुसा है, वो कहां से घुसा मेरे को पता नहीं है। मेरा लैपटॉप कभी भी मैं टेबल पे नहीं छोड़ता, जब मेरे को काम होता है मैं तभी उसको निकालता हूँ और फिर उसको भाई काम करके वापस रख देता हूँ। मेरा लैपटॉप भाई ऑफिस के टेबल के ऊपर रखा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। ड्राइवर जल्दी से घर के अंदर चल, ऑफिस में जा करके मेरे को चेक करना पड़ेगा मेरा लैपटॉप कैसे निकाला, किसने निकाला भाई, ऐसा कैसे? अभी जरा नेता बनाने का टाइम आ चुका है बंदे का, आराम से। ड्राइवर जरा वॉच को यूज़ कर और चेक कर कौन घुसा है भाई अंदर की तरफ, अभी जरा पता चल जाएगा। आराम से बिल्कुल दबे पैर अंदर जा और देख कोई ऑफिस में है क्या, अगर कोई ऑफिस में हो तो भाई उसका नेता बना दूंगा। एक काम करते हैं, नेता उसका अभी बना दूंगा मैं, सीधा मिनी गन से गोली मारता हूँ, कोई बंदा गायब होके तो नहीं आया ना, ऐसा हो जाता है। हेलो भाई कोई यहाँ पर है क्या? चुपचाप बारह जा भाई, ऐसा किसी को गोली लगी, किसी ने शोर मचाया भाई, लगी सच्ची में लगी। हेलो कोई है क्या? खून निकला भाई। ओ भाई मैंने तुक्का मारा, और सच्ची में इसका मतलब मैंने सही सुना था, घर में कोई था, आवाज आई थी, तभी तो बोलू ट्रेवर, नहीं तो रात का से उठता नहीं है। अभी बात यह है लैपटॉप चला रहा था कोई बंदा, थोड़ी देर रुक जाओ, इसका मतलब इसने इंजेक्शन लेके रखा हुआ है। इंजेक्शन कहाँ से लग गया इसके हाथ में? तो थोड़ी देर में बंदा ऑटोमेटिक दिखना शुरू हो जाएगा, इसको दिखने दो, फिर इसका फोटो लेता हूँ मैं। कुछ तो चल रहा है भाई मेरे लैपटॉप, इस लैपटॉप में एक सेकंड भाई मेरा सारा डेटा है, मेरे पे क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे मेरा पैसा है, कहाँ पे माइकल के सामान है, मतलब इसमें सारी कुंडली है मेरी और मेरी टीम की। कहीं केजीएफ वो तो नहीं पता करना चाहती ना? ओहो, अब मैं समझ गया, इसीलिए केजीएफ अब तक क्यों शांत बैठी है, उनको ये पता करना है कौन से गैरेज में मुकेम्बो को मैंने बंद करके रखा है और कहाँ कहाँ पे मेरे सीक्रेट गैरेज है और कहाँ कहाँ पे मेरे बेस है, इसमें सब कुछ है। अभी तक उनको इसका मतलब पता नहीं चला मुकेम्बो कौन से बेस में, मतलब कौन से गैरेज में, ताकि वो उसको छुड़ाए, इसका मतलब पहले उसको छुड़ाना चाहते हैं बाद में अटैक करना चाहते हैं, इसलिए एक बंदे को मेरे ऑफिस से भेजा ताकि डेटा चुराए और काम पूरा कर सके, बट ऐसे तो मैं होने नहीं दूंगा, वेट करते थोड़ा सा। भाई बंदा दिखना शुरू हो चुका है, एक घंटे से ऊपर टाइम हो चुका है, बंदा आराम से दिख गया मेरे को, इसका मतलब इसे इंजेक्शन लेके रखा है। अब वो इसको कहाँ से मिला वो मेरे को पता नहीं है, फिलहाल इसका फोटो में ले लेता हूँ और जल्दी से लेस्टर को भेजता हूँ। लेस्टर बेटे एक नमूना मेरे घर में घुसा डेटा चुराने के लिए और तू उल्टे सीधे काम करता है, तेरे को पता नहीं चलता, तो फिलहाल चलिए इसको जल्दी से बोल देता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन, फोटो सेंड करता हूँ और बोलता हूँ पता लगा इस बंदे के बारे में, और चलिए भाई अभी आराम से जा करके सो जाते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम अच्छा मैंने सोल्व कर दिया, अगर मैं ध्यान नहीं देता ना, यहाँ मैं नहीं देखता तो हो जाता बहुत ही बुरा काम। भाई सुबह का टाइम हो चुका है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, डोगी तो सो रहा होगा क्योंकि भाई डोगी उठता है 11-12 बजे, अभी 8:30 बजे हुए, बट मेरे को जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरे को ह्यूमन लैब से फोन आया है। भाई देख रहे हो अपनी ड्यूटी के लिए कैसे बंदा यहीं पे खड़ा है, पूरा आती है तो खैर सीधी सी बात है भाई, रोबोट है, रोबोट बेटे आ जा चल जल्दी से निकलना है घर से, जल्दी आ जा, तेरे को चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ती का, ये देखो कैसे फैल के सोया हुआ है, अबे नमूने कैसे पड़ा है भाई, सही है ठीक है भाई इसको सोने तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरे को फोन आया है बंदों का, वो बोल रहे हमें ले में आ जाए ड्राइवर सर, काफी जरूरी आपके बात बोलनी है। भाई पहुंच चुका जगह पर, तो फिलहाल चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं बंदों ने क्यों मेरे को बुलाया है। रोबोट बेटे तू गाड़ी में रहना, तेरी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी ठीक है मैं तेरे को बुला लूंगा अंदर की तरफ, वैसे यहाँ पे कोई खतरे वाली बात नहीं है, सारे सारे ऑफिशियल बंदे ठीक है ना, तो इसलिए तू डरना मत, कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे असली बंदे हैं, ड्राइवर कोई जानते हैं मानते हैं सारी काम है, तो ठीक है तू गाड़ी में ही बैठ रहे, मैं जरा अभी आता हूँ। तो फिलहाल यार बहुत सारे बंदे आकर के रखे हैं, आखिर क्या प्रॉब्लम होकर के रखी है? ऑफिसर्स मेरे को जल्दी से बताओ यार, कुछ बुरी खबर ना हो गई हो, इसलिए मेरे को सुबह सुबह निकलना पड़ा, नहीं तो ड्राइवर भी आपको पता है काफी लेट उठता है, ड्राइवर भी 10-11 बजे उठता है, ये भी जल्दी नहीं उठता, बट आज इनकी चक्कर में जल्दी उठना पड़ा मेरे को, तो चलिए पता कर लेता हूँ आखिर क्या प्रॉब्लम हो के रखी है। चाचा अकेला खड़ा है सामने, हेलो ऑफिसर मुझे फोन करके बुलाया था किसी बंदे ने, क्या प्रॉब्लम हो गई है? ड्राइवर सर हाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो चुकी है, आपका जो साइंटिस्ट था, देखो फिलहाल आपने इंजेक्शन बनवाने तो बंद करके रखे हुए और अभी वो बनने भी नहीं वाले जब तक आप बोलोगे, बट जो बैकअप वाले इंजेक्शन थे, मतलब कि आपने स्टॉक बनवा के रखा है थोड़ा बहुत, तो जो बैकअप वाले इंजेक्शन थे ट्रेवर सर, उनको किसी ने चोरी कर लिया सेफ रूम में जा करके, जहां पे उनको जमा करके रखा हुआ था, इन फ्यूचर के लिए जब आपको जरूरत पड़ती तब हम उनको निकाल के आपको दे देते,
पर ट्रेवर सर आज उनको वैसे चेक किया गया तो देखा वहां पे एक भी इंजेक्शन नहीं है, किसी ने सारे सारे चोरी कर लिए। यार आपको बता, देखो मैंने फिलहाल तो बंद करवा दिए थे क्योंकि माइकल ने उनको बंद कर दिया था कि अब हमें जरूरत नहीं है, नहीं तो दुश्मन भी इनको यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल चलो तो बंद हो गए थे, बट कुछ तो मैंने बनवाए थे ताकि भाई मेरे फ्यूचर में काम आ सके, कुछ मैंने बनवा लिए थे तो, बट वो सारे चोरी हो गए। अब मैं समझा भाई ये रात में बंदा जो घर में घुसा था वो कैसे गायब हुआ था, अब चोरी किए किसने, ह्यूमन लैब में घुसा कौन। भाई लेस्टर का फोन आया, जो मैंने सोचा था वही हुआ, वही हुआ भाई, मन ऐसा करता है भाई माइकल को पीटू, और किसी की कुछ भी गलती नहीं है, लॉस्ट वाले टेरी और भाई एक और बंदा जो कि शायद से एडम है लेस्टर के हिसाब से, कैमरा में उसने ऐसे देखा है, देखो साफ साफ कैमरा की फुटेज नहीं दिखी बट उसे लगता है वो एडम है, और ये सारे के सारे बंदे मिल करके मेरे ही डेजर्ट के लास्ट में भाई मीटिंग कर रहे हैं किसी जरूरी चीज को लेकर के, केजीएफ के बंदे भी साथ में हैं भाई। माइकल ने इस टेरी के ऊपर भरोसा करके इसको छुड़वाया और ये अभी इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, मैं इस प्लानिंग को समझ भी तो नहीं पा रहा ना, कभी भाई ऐसा ना हो मेरे साथ काफी बुरा काम है बंदे कर दे, क्योंकि अभी तो मेरे सामने खुल करके नहीं आए हैं, मुझे लगता है अटैक सच में होगा बट वो आज तो नहीं होने वाला क्योंकि अभी तो बंदों की प्लानिंग चल रही थी, उसके बाद अटैक कल ही होने वाला है। भाई मैं जगह पर पहुंचू, रोबोट बेटे तू यहीं पर रहे, मैं तेरे को आवाज लगा दूंगा अगर मेरे को जरूरत पड़ जाए, ठीक है ना, यहीं पर रहे आराम से, मैं अभी आता हूँ फटाफट से। तो फिलहाल भाई रोबोट को मैंने सारी बातें समझा दी है, फटाफट से वॉच को यूज करता हूँ, मेरे डेजर्ट पर आप देख रहे हो भाई सामने की सर मीटिंग चल रही है बहुत ही बढ़िया, कितने सारे बंदे आकर के रखे हुए हैं, बहुत बेकार काम हो गया यार, बहुत ज्यादा बेकार काम हो गया, टेरी ने धोखा दिया ना, मैंने बोला था ना टेरी धोखा देगा, ये सिर्फ माइकल, ये माइकल मेरी कभी नहीं सुनता भाई, हमेशा ही मेरे को प्रॉब्लम में फंसवाता है, और लो टेरी बात कर रहा है, देखो पीछे केजीएफ वाले बंदे आ, टी शर्ट काली पहन ली, वाह भाई वाह, लिपस्टिक वाले भाई हो, लिपस्टिक तो नहीं उतारी तुम लोगों ने, तो क्या फायदा हुआ कपड़े बदलने का, कमाल के नमूने। तो यहाँ पे लॉस्ट वाले बंदे, टेरी, केजीएफ की टीम क्या कर रहे हैं आपस में। मेरे लॉस्ट बॉयज तुमने बहुत अच्छा किया माइकल को बोतल में उतारा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी माइकल का पूरा दिल जीत लो और उसके बाद होगा असली खेल शुरू, केजीएफ की तरफ से प्लानिंग बन चुकी है, ट्रेवर और उसके सभी साथियों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाएगा, बस कुछ ही टाइम बाद सारा काम होगा, बस एक बार हम लोगों को ये पता चल जाए आखिर मुकेम्बो बोस कहां पर है, उसके बाद तो सभी का नेता बना दिया जाएगा। मैंने बोला था ना टेरी धोखेबाज है, एक नंबर का फ्रॉड बंदा है, मेरे को मेरी टीम को मारने की बात कर रहा है, और मेरा वो आइडिया भी ठीक निकला, ये अभी तक अटैक पता है क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तक इनको पता नहीं है मुकेम्बो कहां पर है, नहीं तो इन्होंने प्लानिंग बना ली है सारी सारी, बस बेचारे वेट कर रहे हैं मुकेम्बो के मिलने का, तेरे को मुकेम्बो बेटे नहीं मिल पाएगा तो टेंशन मत ले, मुकेम्बो का नेता मैं बना दूंगा, बट फिलहाल यार यहाँ पे वो एडम नाम का बंदा नहीं है, लगता है वो चला गया शायद से यहाँ पे, क्योंकि बाकी बंदे हैं बट एडम नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, एडम यहाँ पे हो ना हो, देखो मैं टेरी को अभी नहीं मारूंगा, मैं टेरी को रंगे हाथों मारूंगा और मैं इन सभी का फोटो लूंगा यहाँ पे, और उस माइकल को सेंड करूंगा, भाई नमूनों के सरदार तेरे चक्कर में हुआ है सारा का सारा काम, अगर तू इन दोस्त वालों को पैसे नहीं देता, अपनी टीम में नहीं करता, इस टेरी को नहीं छुड़ाता जेल से, तो आज ये दिन मेरे को देखना नहीं पड़ता, ये सब कुछ भाई माइकल के चक्कर में हुआ है, अब इस माइकल को मैं क्या बोलूं, दोस्त बोल भी नहीं सकते, टेरी का पत्ता तो भाई कट गया, टेरी ने अपना नाम लिखवा लिया है मौत की लिस्ट में, आपको पता है जो बंदे अपनी लिस्ट में नाम लिखवा लेते हैं ना वो मरते जरूर है। भाई मेरे पास अभी फोन आया है कुछ मेरे बंदों का, भाई अपने वही सारे के सारे रोबोट्स, इसके सारे के सारे भाइयों का, बोल रहे ड्राइवर सर एक जगह पर आ जाइए, हमने बहुत सारे केजीएफ के बंदों को रंगे हाथों पकड़ा है, उनके पास बहुत सारे बॉम्ब्स भी है, तो फिलहाल भाई मुझे लगता है ना बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, तो मेरे को बोलना पड़ेगा लेस्टर एक काम कर यार, ये जो मुकेम्बो है ना इसको तो कहीं पे शिफ्ट कराते, क्योंकि अगर ये मुकेम्बो केजीएफ को मिल गया ना यार क्यों शिफ्ट नहीं कराते, मैं तो चाहता हूँ ना केजीएफ वाले आए और लड़ाई करें और हमला करें, देखो ये तो मैं चाहता ही हूँ ना, तब वो आएंगे तो जभी तो मैं उनको मार सकता हूँ ना, तो ठीक है भाई आने दो आने दो, मुकेम्बो को ना मैं थोड़ा खुला छोड़ देता हूँ, और भी उसको छुड़ाने के लिए आओ और आओ अटैक करो मेरे ऊपर, मैं भी तो देखो कितने बंदे आएंगे, जब वो सारे के सारे आएंगे तभी तो मरेंगे, क्योंकि मेरा मेन पॉइंट तो उनको मारना ही है ना कि उनसे बचना। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, तो चलिए भाई यहीं पर मेरे को मेरे रोबोट से बुलाया फोन करके, वाह भाई वाह सही है बेटा सही है, लग रहा हो यार, वैसे एक बड़ा फायदा हो गया मेरे को, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, अबे रोबोट देख रहा है बेटे तेरे भाइयों ने यहाँ पे धूम मचा करके रखी हुई है, यार फायदा हो गया रोबोट को रखने का, नहीं तो मेरे को मारना पड़ता था बंदों को, और आपको बताइए फिर टाइम लगता था उस चीज में, बट अभी भाई मेरे रोबोट सारा का सारा काम अकेले ही मैनेज कर लेते हैं, तो फिलहाल भाई आप ऊपर देख रहे हो, चलो ये तो बंदों को मार लेंगे, मेरे को इनके ऊपर पूरा भरोसा है बंदे नहीं बचने वाले, मेन चीज पता है क्या है भाई, कितने सारे बॉम्ब्स, ओ भाई ये तो बहुत खतरनाक बॉम्ब है, ये वही वाला बॉम्ब है जो मैंने केजीएफ के बेस पे गिराया था हेलीकॉप्टर के साथ में, और इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था, ये क्या करने वाले थे इनसे, अबे लिपस्टिक वाले भाइयों क्या करने वाले थे तुम लोग, बहुत बुरा मारूंगा, वैसे तो मेरे रोबोट ने इनको मार ही दिया भाई, ये क्या करेंगे भाई क्या करेंगे ये, अबे तुम लोग नहीं जीत सकते भाई, वो बहुत खतरनाक आइटम है, अब की बार मैंने ऐसी चीज ढूंढ ली है केजीएफ वालों, आया मजा भाई बड़ा मजा सा आ रहा है केजीएफ की हार देखते,
क्योंकि केजीएफ अभी मुझसे नहीं जीत सकती भाई, क्योंकि मैं ऐसी चीज लेकर के आया हूँ केजीएफ जिंदगी में मुझसे नहीं जीत सकती। इनके पास नॉर्मल बंदे हैं, एडवांस चीज इनके पास है ही नहीं। मैंने ऐसे रोबोट बनवाए हैं, इनका तो नेता बना ही दूंगा। फिलहाल कोई टेंशन नहीं है, अबे अकेला बचवाए पिट करके आएगा क्या? बाहर आ जा मेरे भाइयों, इधर से आकर के मारो, कवर लेकर के रखा है नमूने ने। फाइनली भाई आखिरी बंदे को भी खत्म कर दिया इन बंदों ने आगे की तरफ आकर के, बहुत ही बढ़िया। तो यार चलिए जल्दी से इनसे पता कर लेता हूं कि भाई तुम लोगों ने कुछ और भी देखा या फिर सिर्फ यही चीज देखी, मेरे को सारी सारी बातें बताओ। और कुछ भी मिला क्या भाई, ऐसे भाग रहे हो तुम लोग? तो ठीक है भाई चलो पता कर लेता हूं। रोबोट बेटे ये बॉम्ब ही मिले इनके पास में, कुछ और भी मिला? ट्रेवर सर अभी तक तो इनके पास बॉम्ब्स ही मिले हैं, प्लानिंग काफी बड़ी चल रही है। जब हम इनके पास आए हमने सुना ये बंदे यूकेएमओ को छुड़ा दिया, आपके ऊपर इतना बड़ा अटैक करेंगे, आपके ऊपर इतना बड़ा अटैक होने वाला है कि आप उसमें सरवाइव नहीं कर पाओगे, 100% चांस ये है कि आप उसमें मर जाओगे। अब ये रोबोट तो मेरे को डरा रहा है, बेटे तेरे होते हुए कैसे मर जाऊंगा, तू बचाएगा ना मुझे? तो फिलहाल भाई पूरी पूरी प्लानिंग इन्होंने इसका मतलब करके रखी हुई है, जैसे बस मुकेम्बो छूटेगा मेरे ऊपर हमला होने वाला है। चलिए हम भी देखते हैं भाई आखिर कब हमला होगा। फिलहाल तो मैंने भाई पता कर लिया है और ये बॉम्ब वगैरह पकड़े गए हैं। लेस्टर का फोन मेरे पास आया है, एडम मिल गया भाई। एडम है पुरानी फैक्ट्री में, वहां पे कुछ करने के लिए गया, किसी बंदे से मीटिंग करने के लिए गया। लेस्टर को एक खबर भाई बहुत कमाल की मिली है, उसने बोला बड़ी मुश्किल से खबर निकलवाई मैंने अपने खबरियों से, ड्राइवर जल्दी से पहुंच, लेट मत करना बिल्कुल भी। तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ फैक्ट्री में, मेरे प्यारे रोबोट बेटे तू जरा गाड़ी में बैठ रहे, मैं जरा अभी बंदे से मिल लेता हूँ। हेलो एडम भाई जी, बहुत बुरा मरने वाले हो, बहुत बहुत ज्यादा बुरा मरने वाले हो। तो फिलहाल भाई दाब ये है बंदा एडम, तो फिलहाल तो ये खड़ा हुआ है आगे की तरफ, यहाँ पे सिगरेट पीने में लग रहा है। एडम बेटे फटाफट से हाथ ऊपर कर और चुपचाप यहाँ पे आजा मेरी तरफ, हाथ ऊपर करके बैठ जा नहीं तो गोली से खत्म कर दूंगा तेरे को मैं अभी। एडम भाई यार आपसे यहाँ पर बैठ चुका है, तो एडम अब मेरे को जल्दी से बता, यही भाई बंदा एडम है तो मेरे को सारी बात जरा बताने का कष्ट करेगा? क्यों है भाई तू, तूने जेल में मेरी इन्फॉर्मेशन कैसे ली, तूने क्या किया, घर में एक बंदा घुसा था वो कौन था, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को चुपचाप दे के नहीं तो खत्म कर दूंगा, समझ में आ रहा है क्या? ड्राइवर एडम को यहाँ से जाने दे, नहीं तो यहीं पे गोली मार करके तेरे को मैं अभी खत्म कर दूंगा, समझ में आ रहा है क्या? एडम को चुपचाप यहाँ से जाने दे। किसी गद्दार की आवाज आई है मेरे को पीछे से, ऐसा लगता टेरी ने मेरे को बोला कि इसको मैं छोड़ दूं नहीं तो ये मेरे को गोली मार देगा। वाह भाई वाह सच्ची में, ओ भाई टेरी आइए आइए, तू फिर से भाई चीटिंग कर रहा है टेरी, तूने निकी के टाइम पे धोखा दिया था तू फिर से धोखा दे रहा है, मतलब तू साबित क्या करना चाहता है और तू गोली चला के क्या साबित करना चाहता है बे? तू मतलब मेरे को मार देगा, इतना दम आ गया तुझे? अबे बताया ना गाड़ी में कौन बैठा है, एक इशारा कर दिया ना खत्म कर देगा तेरे को यहीं पे आकर के, वो रोबोट बहुत खतरनाक है मेरा। ड्राइवर देख मैं कुछ नहीं जानता, अगर तूने कुछ भी चलाई करने की कोशिश करी मैं सीधा सर में गोली मारूंगा और तेरे को खत्म कर दूंगा, देख मेरे को गुस्सा मत दिला। एडम तू निकल यहां से, चल जल्दी से गाड़ी में निकल, मैं तो इसको देख लूंगा, ड्राइवर कुछ नहीं करेगा। ड्राइवर प्लीज देख कुछ मत कर नहीं तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। ये है क्या आइटम, मतलब ये समझ क्या रहा है कि सच में मेरे को गोली मार देगा और मैं इसको जाने दूंगा? भाई कमाल है देखो बंदा, अबे तेरे को डर नहीं लग रहा मेरे से? ये देखो कैसे जा रहा है। अबे भाई टेरी सच्ची में यार मैं इसको जान ही रहा था मैं इसको गोली मारूं। ड्राइवर प्लीज मेरी बात सुन, ड्राइवर उसको यहाँ से जाने दे, मैं तेरे को सारी बात बताता हूँ वहां से चला जाएगा। टेरी भाई क्या बात बोल रहा है, अब की बार इसके भाई बात करने का तरीका ही बदल गया। फिलहाल देखो एडम यहाँ से गाड़ी लेकर के निकल गया है, मैंने अपने रोबोट को भी आवाज नहीं मारी क्योंकि यार ये बंदा कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। टेरी कुछ, टेरी बेटे अभी तू पहले तो बड़ा गुस्से से बोल रहा था, जैसे वो गाड़ी में बैठा फिर तूने अलग ही तरीके से बात करी, ये चल क्या रहा है? ड्राइवर भाई आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं देखो आपका ही साथ दे रहा हूँ, बस मैं आपको भी सारी बातें नहीं बता सकता नहीं तो बंदों को शक हो जाएगा, हम आ रही यहाँ पे बात सुन ले कोई बंदा तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। मेरी प्लानिंग चल रही है, एक माइकल सर ने मेरे को एक प्लानिंग में भेजा हुआ है, इसलिए प्लीज अभी आप जैसा मैं कहता हूँ ऐसे ही करिए, मैं आपको बाद में सारी सच्चाई बता दूंगा, मेरे ऊपर भरोसा करिए, मैं आप ही की टीम में हूँ, आपको गलतफहमी हुई है, उसको यहाँ से भेजना बहुत जरूरी था क्योंकि केजीएफ को हराना है तो उस बंदे को छोड़ना पड़ेगा। क्या हो रहा है यार, कंफ्यूज कर दिया काफी बंदे ने, ये टेरी सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है ये तो माइकल के पास जाके कंफर्म करना पड़ेगा। ये टेरी अपनी टीम में बोल रहा है कि जानबूझ के करवा रहा है सारे काम, जानबूझ के इसने लोस से मीटिंग करी, मतलब जानबूझ के सारे काम कर रहा है ताकि केजीएफ को हरा सके वगैरह वगैरह। अबे भाई तू नहीं सुधरेगा क्या? मैं सच बता रहा हूँ तेरे नाक को बंद करवा दूंगा मैं यार, ये ट्रेवर भी ना, बट फिलहाल अभी टेरी को चलो जाने देते हैं, देखते हैं अगर धोखा देगा मतलब झूठ बोल के यहाँ से भागने की कोशिश भी कर रहा होगा तो दोबारा पकड़ लेंगे, पकड़ना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। चल ठीक है टेरी बेटे निकल, देखते हैं आखिर तेरी सच्चाई कितनी है, मतलब तेरी बात में कितना दम है पता चली जाएगा। रोबोट बेटे कैसा है फिलहाल? भाई मैंने इसको जानबूझ के नहीं बुलाया, मैं चाहता इसको इशारा कर देता और एक सेकंड में आके दोनों खत्म कर देता, बट मैं इनको मार सकता था, इन मच्छरों को मारने के लिए मेरे को रोबोट की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल टेरी की तो पूरा ही भाई ट्यून ही बदल गई, इसने बोला कि हमारी पार्टी में है हमारे लिए काम कर रहा है, माइकल के पास चाहता हूँ, एक काम करते फोन नहीं करते उसके पास पहुंच ही जाता हूँ, जा करके इससे कंफर्म करता हूँ कि भाई ये क्या करके रखा है तूने, मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। दोस्त वाले वो धोखा दे रहे थे, टेरी ये धोखा दे रहा था और अभी कह रहे कि हमारी टीम में है,
कुछ तो गड़बड़ है, और इससे पहले मेरे ऊपर अटैक हो जाए ना बंदे, मेरा बेवकूफ बनाने में लग रहे हो कभी, ऐसा भी तो सकता है ना, क्योंकि अटैक हो जाएगा और मैं तो इनकी बातों में रह जाऊंगा और अटैक सच में काफी बड़ा होने वाला है। मुझे लगता है केजीएफ जल्दी एंड होने वाली है, केजीएफ को एंड करने में इतना टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि मेरे को लगता है अभी बहुत बड़ा अटैक होगा और उस अटैक में पूरी केजीएफ मारी जाएगी। मुझे लगता है ये सीरीज ज्यादा लंबी होगी, मतलब कि कुछ ही टाइम में एंड हो जाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है भाई मेरे हिसाब से। तो बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो से इतनी आलू होती, ये वीडियो कैसी लगी आपको, हमारी रोबोट आर्मी कैसी लगी बताना जरूर भाई, समझदार काफी है जिसके आप देख रहे होंगे, जब तक मैं नहीं बोलता कुछ काम नहीं करते भाई, ऑर्डर्स को फॉलो करने वाली टीम है ये, मेरे को सबसे अच्छी बात लगी इनकी, ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं बंदे। तो बताना आपको सारी चीजें कैसे लिख रहे हैं, आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके उसको स्टार्ट कर दो। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड फॉलो नहीं करा उसको भी फॉलो कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।